हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बी बी एन ई लर्निंग क्लासेज। तो बुक्स है आपकी बी हैव क्लास नाइन्थ, इसकी पोइम पढ़ेंगे। तो पोइम है नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी पराया नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों को अजीब, और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, या दूसरे देशों को विदेशी समस्या है। वी हैव मैनी वे ऑफ थिंक ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री और स्पीक इन ए डिफरेंट लैंग्वेज। वी हैव मैनी वे ऑफ थिंक, हमारे पास सोचने के बहुत तरीके हैं ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों को सोचने, एज ए डिफरेंट फ्रॉम, उन्हें अलग अलग सोचने, इसके हमारे पास अन्य लोगों को हमसे अलग सोचने के बहुत से तरीके हैं। दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, वे एक अलग देश से संबंध रखते हैं और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, और अलग भाषा बोलते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, हाउ एवर, किंतु, द पोएट रिमाइंड अस ऑफ मैनी वेज विच वी आर ऑल सेम, कभी फिर भी बहुत ढंगों की याद दिलाता है कि हम सब एक हैं। फोर, क्योंकि, वी ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखो, कोई भी आदमी दूसरा नहीं है। नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और ना ही कोई देश विदेश है। बीन्थ आल यूनिफॉर्म, सभी प्रकार के कपड़ों के नीचे, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक अकेला शरीर सांस लेता है। लाइक अवर्स, हमारी तरह, द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, अन्य भाई भी भूमि पर चलते हैं, हमारी तरह जो दूसरे भाई हैं वो भी इसी धरती पर चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, और उस देश की भूमि इसी प्रकार की है जिसने हम सबको विश्राम करना है, अर्थात मृत्यु के बाद हमें सभी को इस मिट्टी में ही मिल जाना है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, दूसरे लोगों को भी हमारी ही तरह सूर्य, प्रकाश और हवा और पानी की जानकारी है। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, जिन्हें शांत फसलों द्वारा पोषित किया गया है। By wars long winter स्टडी, अर्थात युद्ध में लंबी शीत ऋतु की भांति भूखे मरते हैं। Their hands are our, उनके हाथ हमारे हैं। And in their lines we read, और उनके हाथों में भी रेखाएं उसी प्रकार की हैं जैसी हमारी हैं, जिन्हें हम देखते हैं, जिनसे हम मेहनत करते हैं। A labor not डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, एक मजदूर आदमी है, एक मेहनत करने वाला आदमी है, वह भी हमसे अलग नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, दे हैव आईज लाइक अवर दैट वेक, उनकी आँखें हमारी जैसी हैं जो जगती हैं और सुलाती हैं। और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, और वह शक्ति जिसे जीता जा सकता है, बाई लव, प्यार से, और वह शक्ति जिसे प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर भूमि पर जो जीवन है वह सामान्य है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड, जिन्हें हम सभी, जिसे हम सभी पहचानते हैं और समझ सकते हैं। लेट अस रिमेंबर, आओ याद रखें, व्हेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमसे कहा जाए, टू हेट अवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से घृणा करने के लिए, इट इज आवर सेल्फ, वो हम ही तो हैं। That we shall dispose battery common, remember, वे उन्हें, हम उन्हें धोखा धड़ी निंदा से वंचित रखना होगा। Remember, याद रखो, we who take arms against each other, हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठा लेते हैं। It is a human earth, यह एक मानवीय धरती है। That we defile, जिसे हम दूषित करते हैं। Our hells of fire and dust, outrage of innocence,
हमारा अग्निदेश और धूल हवा की मासूमियत निर्दोषों को गुस्से में बदल देती है, और एयर हवा दैट इज एवरीवेयर ऑन, हवा जहाँ भी है वह सभी हमारी है। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरगेन, कोई भी देश विदेश नहीं है, एंड नो कंट्री स्टैंड, और ना ही कोई देश अजनबी है, अर्थात सभी हम एक हैं, हम सभी को प्रेम पूर्वक और बगैर लड़ाई झगड़े के रहना चाहिए। धन्यवाद।